पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज शहर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह न्यू राजीव गांधी नगर में विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, शहर जिला अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, महापौर मंजू मेहरा, उप महापौर पवन मीणा, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राखी गौतम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। माल्यार्पण के बाद कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल और शहर जिला अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी ने राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला और देश के विकास में उनके योगदान के बारे में बताते हुए युवाओं को उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भाई, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और राजीव गांधी ने जिन परिस्थितियों में देश की बागडोर संभाली, उस समय जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उसके बाद देश के की बागडोर राजीव गांधी जी ने संभाली और राजीव गांधी जी ने तुरंत लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराए और देश के इतिहास में इतने बहुमत से 425 सीटें कांग्रेस अर्जित करी और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। उसके बाद जो उन्होंने साहसिक निर्णय लिए, 18 वर्ष के युवकों को मतदान का अधिकार, पंचायत राज और नगर पालिका नियमों को सुदृढ़ बनाया ताकि हर 5 वर्षों में चुनाव हो सके। स्वर्गीय राजीव जी गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा जी, राजीव गांधी तक जो शहादत हुई है वो पूरे देश को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि देश इतना मजबूत है कि कोई भी विघटनकारी ताकतें देश को हिला नहीं सकती, चाहे इसके लिए अपना स्वयं का प्राणों का बलिदान देना पड़े, लेकिन इन विघटनकारी और विद्रोही ताकतों के सामने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता।